मेरी आंखों में देख ज़फ़ार, जिन आंखों में खुदाई होती है उसे तो शैतान कभी नहीं बना सकता। कब तक रेहान, कब तक ही ना, जब तक तेरा खुदा तेरे साथ है। और जिस दिन मैंने तेरे खुदा को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो तू और तेरी खुदाई धरे के धरे रह जाएंगे। पछताओगे तो तुम ज़फ़ार। जादूगरों के हाफिजों ने मिलकर ये फैसला किया कि ज़फ़ार को जमशेद के तिलिस्मी हीरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। शैतान को महजूस की अंधेरी गुफाओं में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दो। रेहान के सैनिक तिलिस्मी हीरे को कुछ ही दूर ले गए कि अचानक मदद के लिए तो और किसके पास जाएगी?
वही शैतानों का राजा है ना, जो इस काली दुनिया का नाम रोशन करने वाला था। हमने तो पहले ही आगाह किया था कि बिजाक की तरफ से खतरा आने वाला है। पर हमारी सुनता कौन है, जरूरत के वक्त ही याद आती है। जरूरत के वक्त अगर अपने नहीं याद आएंगे तो कौन याद आएगा। आप लोग ही ज़ख्फ़ार को आजाद करवा सकते हैं। कर दो। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मिकावी। कुछ भी मंजूर है। तेरी ही सुनूंगा तरह, और इस बार ज़ख़्फ़ार ऐसा कहर फैलाएगा कि रेहान तो क्या, उसकी आने वाली सारी नस्लें हस्ती नाबूद हो जाएगी। ज़ियादीन ज़ख़्फ़ार। इस बात से बेखबर रेहान अपने नन्हे शहजादे अरसलान के जन्मदिन पर जश्न मना रहा था, जहां दुनिया भर के तिलस्मी पोश शहजादे अरसलान का इस्तकबाल करने आए थे। ज़ख़्फ़ार ने अपनी पूरी ताकत के साथ इज़ाद पर हमला बोल दिया। ज़ख़्फ़ार बच गया। अब वो अपनी पूरी शैतानी शक्तियों के साथ इज़ाक पर हमला करने वाला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये वक्त जोश में होश होने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है उस नस्ल को बचाने का जिसके नसीब में ज़ख़्फ़ार का नाश लिखा हुआ है। आप खुफिया रास्ते से अलगोर की बर्फीली चट्टानों तक पहुंच जाएंगे। रेहान अपनी रानी शीन
और बेटे अरसलान के साथ अलबुर्ग की बर्फीली पहाड़ियों से बच निकलने में कामयाब हो गया। चलो शीन, हमारा ड्रैगन यहीं कहीं होगा, संभल कर। पर शैतान की नजर से कौन बच पाया है? अरसलान को लेकर हमारे रक्षक ड्रैगन के साथ यहाँ से भाग जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ, जाओ। रक्षक ड्रैगन, मेरे अरसलान की रक्षा करना। पूरी नस्ल को जिसके नसीब में मेरी मौत लिखी थी, अब ज़ख़्फ़ार रहेगा, सिर्फ ज़ख़्फ़ार, जो पूरी दुनिया पे मौत बन के नाचेगा। ज़ियादीन ज़ख़्फ़ार। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिज़ाक का रक्षक ड्रैगन अरसलान को संगलात ले गया, जहां कई बच्चे तिलिस्मी तालीम पाते थे। ये क्या? बिज़ाक का रक्षक ड्रैगन यहां? अरसलान मेरी निगरानी में रहेगा, इसकी पहचान खुफिया रहेगी, ताकि वक्त आने पर ये इंसानों का रहनुमा इस दुनिया में इंसानियत को बचा सके। लक्ष्मी संगलात में तुम्हारा इस्तकबाल है छोटे बादशाह। और फिर 19 साल बाद
सोचता हूं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है यार। अब देखो ना, मुझे अब तक ये नहीं पता कि मैं एक आम सा बच्चा इन समला के तिलिस्मी बच्चों के बीच में क्या कर रहा हूं। देखते हैं कब ऊपर वाला इस किस्मत की घंटी को बजाएगा। कहीं ये ऊपर वाले की तो घंटी नहीं, पर ये घंटी इतनी जानी पहचानी से क्यों है? तेरी तो, ये तो मेरे संगला की घंटी है। फौजे अरसलान में शामिल हो जाइए और जीतिए शानदार प्राइजेस। शामिल होने के लिए SMS कीजिए फौज 52525 पर या कॉल कीजिए 5052525 पर। तो शामिल हो जाइए फौजे अरसलान में। बताओ किसके नीचे है वो सुनहरी खूस? अगर तुम चिलगोजों में है हिम्मत तो बताओ सुनहरी खूस किसके नीचे है? वो हम क्यों करके दिखाएं? हमारी शक्ति तो कुछ और है। क्या है तुम्हारे पास हमारे जैसी फौलादी मुट्ठी? की तरह फुसकी फुसकी हो गई। एक दो तीन चार। देखो इस लड़की को यार, आता जाता कुछ नहीं, फजूल की कोशिश बेकार। उस्ताद जो भी बोले मस्त था। छोड़ दो रुदबे, ये लड़कियों के बस की बात नहीं। लड़कियां तो सिर्फ खूबसूरती की नुमाइश करने के लिए होती हैं। और लड़के उस नुमाइश के पीछे दुम हिलाकर घूमने के लिए, क्यों?
लड़कियां ज्यादा बोलती हुई भी अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी शेफान को ज्यादा सुनने की आदत नहीं। तुम हो इसलिए माफी दो। माफ। शेफान जैसा कोई नहीं, उस्ताद जैसा कोई नहीं। हट जाओ जानेमन, अब शेफान को उसकी करामा की शक्तियां दिखाने का मौका। हट जाओ उस्ताद अपनी करामा बंद करने वाले हैं। हटो। शेफान जैसा कोई नहीं। इनसे मिलिए, ये हमारे संगलाक के सबसे होनहार संगलाकी। ये क्या? संगलाक का सबसे बड़ा इजाद। मुझे यकीन है ये हथियार बड़ी बड़ी सेनाओं को एक झटके में उड़ा देगा। क्यों? अरे हंसो मत यार। अरसलान भी हमारी तरह एक दिन ताकतवर बन जाएगा। शेफान, आह, हमदर्दी, आओ रुदबे, आओ। हम सब तो हमदर्दी दे ही रहे हैं, तुम भी थोड़ी सी दे दो। इसी का भूखा है बेचारा। इसे तो ये तक नहीं पता कि ये है कौन। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। कौन? ड्रैगन का बेटा। चलो मान लिया कि अरसलान ड्रैगन का बेटा है, लेकिन ड्रैगन तो मुंह से आग निकालते हैं ना। तुम क्या कर सकते हो? बहुत कुछ। इससे अरसलान, कहीं इस हथियार का भी वही हाल ना हो जो उन सारे हथियारों का हुआ था जो तुमने इससे पहले बनाए थे। यानी कि क्रिक थुड़ो। डंडा है, कभी कभी ऊपर वाला सबक सिखाने के लिए भेज देता है। कहाँ भाग रहे हो? सर बाजू, वो क्या? वो 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 क्या? वो वो किसी काम का नहीं हूं रोदा बे, किसी काम का नहीं हूं।
ऐसा नहीं कहते अरसलान। याद नहीं औरंग क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना मकसद के नहीं आता। अब मुझे ही ले लो, मुझे ये जानने के लिए कि मुझ में क्या शक्तियां हैं, कितना वक्त लग गया। एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा अरसलान कि तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो। मुझे पता है रुदबे, मैं सिर्फ मजाक पढ़ने के लिए आया हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो अरसलान? क्यों ना सोचूं रुदबे, मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरा नाम अरसलान किसने रखा है। स्कूल जब खत्म हो जाती है तो सबके माँ बाप उन्हें लेने आते हैं सिवाय मेरे। क्यों क्यों हमेशा औरंग मुझे उन हमदर्दी भरी नजरों से देखा करते हैं? क्यों यहां हर बच्चे की एक पहचान है और क्यों जब भी मैं अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता हूं ऐसे ही टूटकर बिखर जाता हूं मैं। शिफान और उसके साथी बिल्कुल सही कहते हैं, मैं किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। सलाम में शामिल हो जाइए और जीतिए शानदार प्राइजेस। शामिल होने के लिए SMS कीजिए फौज 52525 पर या कॉल कीजिए 505-2525 पर। तो शामिल हो जाइए फौज अरसलान में। मुझे समझ नहीं आता औरंग, ये अरसलान संगलाक में है क्यों? इसे कुछ आता नहीं। बच्चों से बराबरी करने की कोशिश में रात दिन इसे जूझता हुआ देखकर हमें बुरा लगता है। फिर भी ये समझ नहीं आता कि ऐसे नाकाबिल बच्चों को हमने संगलाक में रखा क्यों? कुछ बच्चे अपने आप में तिलस्मी होते हैं, सेंसे रबाडू। उन्हें ऐसे किसी संगलाक की जरूरत नहीं होती, वक्त की जरूरत होती है जो अपना ही खेल खेलता है उनकी शक्तियां बाहर निकालने में। कौन है? तेरी शामत भूल गए? हम दोनों आफत और नालत। ज़बान फिसल गई उस्ताद। देखो शिफान, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। वो 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 दिद्दी को देखो, शिफान से लड़ेगा। अरसलान तुम हमेशा औकात से बढ़कर बात क्यों करते हो? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम हो कौन। और उस्ताद तो पता है सिर्फ खानदानी लोगों के साथ लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे कि हम। हाँ चमचे ही सही, खानदानी तो हैं। क्या क्या कहा? अरसलान तुम हमेशा पिटने वाली बात क्यों करते हो? पहले ही टूट चुके हो और उस्ताद फूक मारेंगे तो बिखर जाओगे। चलो अब्बा माफी मांग लो। किस बात के लिए? हमें नीचा दिखाने के लिए। ओह उसके बजाय तुम वो देख लो। वो क्या? नीचा दिखाया था ना, ऊंचा दिखा रहा हूं। मामला फिटूस। एक मिनट। संगलाक के बेनाम शहजादे, हाँ
माफी नहीं मांगी तो थोड़ी देर में तुम भी वहीं जाओगे। शिफान, इतना चढ़ाना भी अच्छा नहीं शिफान। और तुम्हें क्या लगता है अरसलान किसी से कम है? वो हर वो चीज कर सकता है जो तुम कर सकते हो। अच्छा, वो तो क्या वो मुर्दों के टीले पे जाकर उस शैतानी पेड़ में कील गाड़ सकता है? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, क्या बकवास कर रहे हो शिफान? तुम जानते हो वो जगह खतरनाक है। तो मैं वो कर सकता हूँ, अगर अरसलान मेरे जैसा है तो करके दिखाए, वरना हमदर्दी तो हम दे ही रहे हैं ना। बस बहुत हो गया, तुम जबरदस्ती उकसा रहे हो। चलो अरसलान। जाओ अरसलान जाओ, तुम में ह से हिम्मत तो नहीं, ह से हमदर्दी ले लो, जाओ। शिफान, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। जाने मन, अब कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा तो हद से आगे तो बढ़ूंगा ही ना। क्यों अरसलान? अरसलान, तुम इसकी बातों में मत आओ। और तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम समझ रहे हो अरसलान? अरसलान, मुझे मंजूर है। वाओ, आज रात मुर्दों के टीले पर। बोइजा, अगर डर लग रहा है तो रहने दो। क्या है ना, सबके पास शेफान जैसा जिगर नहीं होता। मैं अभी भी कह रही हूँ हमें वापस लौट जाना चाहिए। बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी है मैंने इस टीले के बारे में। यही तो खेल है रुतबे, हिम्मत है। सोच लो पिद्दी, लड़की की हमदर्दी भीख में लेनी है या फिर कुछ कर दिखाना है? आज के बाद मैं तुम सबका मुंह बंद कर दूंगा। अरसलान, अरसलान, आ जाओ, आ जाओ। जी अरसलान कहाँ है? जी अरसलान, जी कहाँ है अरसलान? जी मुर्दों के टीले पर। सुना है वो पेड़ बहुत शैतानी है। हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपनी शैतानी शक्ति से राक्षसों को पैदा कर सकता है। इसका मतलब अरसलान को उस पेड़ तक पहुँचने के लिए उन सारे राक्षसों को पार करना होगा। पता नहीं, आएगा तो कुछ लेला,
पर शेफाल अरसलान आएगा ना। शायद नहीं कर पाया। मैंने कर दिया, अब चलो यहाँ से। एक मिनट, हम कैसे मान ले कि तुमने कर दिया? हो सकता है कि तुम हमें उल्लू बना रहे हो। वहाँ नहीं जा सकते शिफान, वहाँ बहुत खतरा है। क्यों अरसलान, डर गए कहीं सच्चाई का पता ना चल जाए कि तुमने की गाड़ी भी है या नहीं? भाई देखना तो पड़ेगा। शेफाल जैसा कोई नहीं, उस्ताद जैसा कोई नहीं। ने तो कर दिया, अब जब कील ही नहीं रहेगा तो किसे पता उसने किया भी या नहीं। तुम लोगों ने, ये शिफान की आवाज थी। शिफान की नहीं, शैतान की आवाज है। उस्ताद किसी को पीट रहे होंगे। मारने वाला कभी मदद की आवाज नहीं लगाता। चलो यहां से। अब हम क्या करें? अकेले मरी से बेहतर है कि साथ में मरी। चल भाग। शिफान
क्या मार रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़। उन्होंने अलग अलग करके अपनी शक्तियों से मारना होगा। हम तो इनसे लड़ लेंगे। तुम क्या करोगे? देखा जाएगा। सलाम में शामिल हो जाइए और जीतिए शानदार प्राइजेस। शामिल होने के लिए SMS कीजिए फौज 52525 पर या कॉल कीजिए 5052525 पर। तो शामिल हो जाइए फौजे अरसलान में। रुक जाओ, किस्मत अपना खेल खेल रही है, उसे खेलने दो। अरसलान तुम कर सकते हो। अरसलान तुम कर सकते हो। अरसलान अरसलान तुम कर सकते हो।
सही कहा था। एक योद्धा को बताना नहीं पड़ता कि वो एक योद्धा है। वक्त आने पर उसका खून उसके सर पर चढ़कर बोलता है। तुमने कमाल कर दिया। आपने भी कमाल किया उस्ताद। हाँ उस्ताद, आपने भी कमाल किया। ज़फ़र को बताना होगा। और हमारे बाकी के शैतानी शगराक सब मारे गए। एक बच्चा था, उसने घूरने वाले चमत्कारी हथियार से हमारे सारे शगराक मार गिराए। मुर्दों के टीले पर तो परिंदा भी पर नहीं मारता। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बच्चे ने हमारे सारे शगराखों को मार गिराया। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। पता लगाओ किसने हिम्मत की है ज़फ़र को ललकारने की। जियादीन ज़फ़र उस लड़के का पता चल गया। नखरानों के शाही खेल के बारे में अफसान को क्या समझ? कुछ नहीं, हम सब एक टीम हैं और उस टीम का कप्तान है। हो सकता है कि ये अपने नए मालिक के पास और भी कोई जहां